हेलो स्टूडेंट, आज से ग्रामर पोर्शन में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम आपके जो सिलेबस में है, ये थ्री, इसकी मार्किंग थ्री है। ठीक है, तो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें देखिए। आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, यहाँ सेंटेंस है आपके, ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें आपके विभक्ति विषयक विभक्तियों में मिस्टेक है कि जो विभक्ति होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसको आपको शुद्ध करना है। और ये थ्री मार्किंग की आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, कृष्णमिति वसुदेव पुत्रः। यहाँ पर कृष्णम पद में विभक्ति द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की गई है, लेकिन आपको कारक पढ़ाए थे तब बताया था कि इति जो पद होता है, इति पद के योग में आपके इस पद में प्रथमा विभक्ति आएगी। तो कृष्णम पद का शुद्ध रूप होगा कृष्णः इति वसुदेव पुत्रः। नेक्स्ट देखिए, विष्णुः बैकुंठे अधिशेते। अब यहाँ पर बैकुंठे शब्द में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, लेकिन यहाँ पर आनी चाहिए द्वितीय विभक्ति। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अधि उपसर्ग के बाद में शी, स्था और आस धातु के योग में आधार की कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर बैकुंठ पद के अंदर आपके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इस अशुद्ध वाक्य के में हमें बैकुंठी पद को शुद्ध करना है, तो इसका आंसर होगा विष्णुः बैकुंठम अधिशेते। विष्णु बैकुंठे बैकुंठम अधिशेते। नेक्स्ट देखिए, सज्जनः आसने अधि तिष्ठति। अभी आपको बताया कि अधि उपसर्ग के बाद में शी, स्था और आस धातु होती है, तो वहां पर आधार की आपके कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आसने पद में आपके द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, तो इसका शुद्ध रूप होगा सज्जनः आसनम अधि तिष्ठति। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। अब यहाँ देखिए, ग्रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति आ रही है, लेकिन परितः, अभितः, परितः, सम्यानिक्षा, तो इन पदों के योग में आपकी कौन सी आती है? परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ग्रामस्य पद में षष्ठी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा ग्रामं परितः वृक्षा सन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नगरस्य निक्षा उपवनम अस्ति। अभी जस्ट बताया आपको कि सम्यानिक्षा इन पदों के योग में, समया मीन्स समीप और निक्षा मीन्स निकट, तो निक्षा पद के योग में जिसके निकट बताया जा रहा है, किसके निकट? नगर के निकट। तो यहाँ निक्षा पद के योग में नगर पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा नगरम निक्षा उपवनम अस्ति। यहाँ पर नगरम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर आपके अशुद्धि संशोधनम के साथ साथ कारक के भी कुछ रूल्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, गुरुजनस्य अनुसरति। अब यहाँ गुरुजनस्य पद में षष्ठी विभक्ति के स्थान पे द्वितीय विभक्ति होगी अनुपसर्ग के योग में, तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगा इसका गुरुजनम अनुसरति, गुरुजन का अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए, रामस्य सह सीतावनम अगच्छत। सह पद के योग में सह, साकम, समम, सार्धम, तो इस पद के योग में जिसके साथ जाया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ राम पद में सह के योग में राम पद में आपके तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा रामेण, तो इसका शुद्ध वाक्य देखिए आप रामेण सह सीतावनम अगच्छत। नेक्स्ट देखिए, नेत्रात् काणः। यहाँ नेत्र में विकार बताया जा रहा है, तो अंग विकार के योग में जिस शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ नेत्रात् पद में आपके पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, लेकिन अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होनी चाहिए थी? तृतीय, तो यहाँ नेत्रात् में करेक्शन किया जाएगा, तो नेत्रात् पद का शुद्ध वाक्य यहाँ पर आएगा नेत्रेण काणः, नेत्र से काणा। नेक्स्ट देखिए, पादस्य खंजः, पैर से, खंजः मीन्स लंगड़ा, तो यहाँ अंग विकार, अभी जस्ट बताया कि अंग विकार के योग में जिस अंग में विकार आ रहा है उस अंग में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो यहाँ पादस्य पद के अंदर तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होगी, तो इसका शुद्ध रूप होगा, शुद्ध वाक्य होगा पादेन खंजः।
नेक्स्ट देखिए, जटा भयः तापसो अस्ति, जटाओं से तपस्वी है। आपको बताया गया था कि जिस जिस चिन्ह से ये प्रतीत हो रहा है कि वह व्यक्ति क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, उस पद में आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जटा स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनना चाहिए था जटा भी। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ जटा भी है। जटाओं से प्रतीत हो रहा है कि वो क्या है, तपस्वी है। तो यहाँ जटा पद में हमारे हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा जटा भी तापसो अस्ति, जटाओं से तपस्वी है। नेक्स्ट देखिए, विवादात अलम। तो अलम पद के योग में, अलम का अर्थ जब निषेध अर्थ में आता है, निषेध अर्थात मना करने के योग में आता है, नेगेटिव अर्थ में जब लिया जाता है, तब वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ विवादात अलम, यहाँ झगड़ा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, तो मना करने के लिए कहा जा रहा है, तो अलम पद के योग में यहाँ विवाद पद में आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा विवादेन अलम। नेक्स्ट देखिए, कलहात किम, कलह से क्या। तो यहाँ किम पद के योग में कलह पद में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कलहेन किम। किम पद के योग में यहाँ कलह पद में आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, कवि भी कालिदास श्रेष्ठ। यहाँ सभी कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो जब सब में से किसी एक की तुलना की जाती है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ कवि भी शब्द में तृतीया के स्थान पर सप्तमी विभक्ति का रूप आएगा, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखिए, पिता पुत्र से स्नेहति, पिता पुत्र से स्नेह करता है, तो स्नेह, स्नेह धातु के योग में जिससे स्नेह किया जा रहा है उसमें आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे पिता पुत्र से स्नेह करता है, तो यहाँ स्नेह धातु के योग में किससे स्नेह किया जा रहा है, पुत्र से, तो पुत्र पद में आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र से स्नेह करता है। नेक्स्ट देखिए, सह रामस्य विश्वस्ति, जिस पे विश्वास किया जा रहा है उसमें आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ रामस्य, रामस्य में सप्तमी विभक्ति का रूप बनेगा रामे, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा सह रामे विश्वस्ति इति। नेक्स्ट देखिए, मृगस्य बाणम क्षिपति, क्षिपति का अर्थ है फेंकता है, मृग पर बाण फेंकता है, ठीक है, तो मृग पर, यहाँ मृग के ऊपर बाण को छोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो यहाँ मृग पद में आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ना कि षष्ठी विभक्ति का, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण फेंकता है। नेक्स्ट देखिए, रमा कार्यस्य कुशला, रमा कार्य में कुशल है। मैंने आपको जब समास पढ़ाए थे तब सप्तमी तत्पुरुष समास में मैंने आपको कुछ पद बताए थे कि निपुण, दक्ष, कुशल और संलग्न, इन पदों के योग में जिस कार्य में कुशल है, जिस गुण के अंदर वो कुशल है, निपुण है, दक्ष है, उसमें आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ रमा कार्य में कुशल है, तो कुशल पद के योग में जिस गुण के अंदर वो कुशल है उसमें आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ कार्य में कुशल है तो कार्य पद के अंदर आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा रमा कार्य कुशला, अर्थात कुशल पद के योग में यहाँ कार्य पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, महेशः कार्येण संलग्नः, अभी बताया आपको कि कुशल, संलग्न, निपुण, चतुर, पटु, इन पदों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब महेश किस में संलग्न है, किस में लगा हुआ है, वो कार्य में, तो यहाँ कार्य पद में आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा महेशः कार्ये संलग्नः, महेश कार्य में संलग्न है। नेक्स्ट देखिए, श्यामः गायना दक्षः, श्याम गायन में निपुण है, दक्ष है, तो यहाँ दक्ष पद के योग में जिस गुण के अंदर वह दक्ष है, निपुण है, उस पद में आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा,
तो यहाँ गायन पद में सप्तमी विभक्ति का रूप बनेगा श्यामः गायने दक्षः। श्याम गायन में दक्ष है अर्थात निपुण है। विद्या बुद्धि वर्धते, बुद्धि बढ़ती है, वर्धते का अर्थ होता है बढ़ना, तो बुद्धि बढ़ती है, किससे बढ़ती है, विद्या से। तो यहाँ विद्या के द्वारा उसकी प्रगति हो रही है, उसका बढ़ना बताया जा रहा है, तो यहाँ विद्या पद में आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए विद्याया बुद्धिः वर्धते, विद्या से बुद्धि बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए बालकम मोदकम भृशम रोचते, रुच धातु के, रोचते का अर्थ होता है पसंद या अच्छा लगना, तो रुच धातु के योग में जिसको वस्तु पसंद है, जिस मनुष्य को पसंद है, जिस व्यक्ति को पसंद है, उसमें आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बालक को लड्डू, मोदकम का अर्थ होता है लड्डू, लड्डू भृशम मीन्स अत्यधिक पसंद है, तो यहाँ पर लड्डू किसको पसंद है, बालक को। जैसे आपको गणेशाय मोदकम रोचते कारक में पढ़ाया था, तो यहाँ बालक को लड्डू पसंद है, इसलिए बालक पद में आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बालकाय मोदकम भृशम रोचते, बालक को लड्डू अत्यधिक पसंद है। ये हमारा अशुद्धि संशोधनम कंप्लीट हो चुका है। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से नोटबुक में नोट डाउन करना है अशुद्धि संशोधनम को, साथ ही आपकी जो अशुद्धि संशोधनम बताए मैंने, इसमें आपके कारक के कुछ रूल्स भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और साथ में रीड भी करना है। थैंक यू।